सीजीएल 2022 जेएसओ का एग्जाम 4 मार्च 2023 को हुआ था। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 है द कंपोनेंट कंटेनिंग द ओवरऑल अपवर्ड और डाउनवर्ड पैटर्न ऑफ द डेटा इन एन एनुअल टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज में हमने देखा था कि अपवर्ड और डाउनवर्ड जो ट्रेंड चलता है वो ट्रेंड में आता है। ओके सो जो भी इसके टाइम सीरीज के जो मॉडल थे इरेगुलर साइक्लिकल एंड सीजनल, तो ट्रेंड में आते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 25th, 50th एंड 75th परसेंटाइल दिया है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 25th है आपका 2, 50th परसेंटाइल का वैल्यू है आपका 3 एंड 75th परसेंटाइल का वैल्यू है 4। तो पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, सिमेट्रिक है या फिर जे शेप्ड है। तो मीन, मीडियन और मोड का काफ़ी पॉपुलर रिलेशन है कि कौन किससे बड़ा है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो इस केस में मीन और मोड निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप क्या देख सकते हैं कि जो मीडियन है, 50th जो वैल्यू होती है, 50th परसेंटाइल होता है या फिर इसे Q2 आप बोलोगे, तो जो Q2 के लेफ्ट हैंड साइड होता है आपका लोअर क्वार्टाइल और राइट हैंड साइड होता है आपका अपर क्वार्टाइल। सो ये मीडियन होता है, मिडिल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इस केस में हमारा है 3। तो जब आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड 3 माइनस 2 डिफरेंस क्या आ रहा है 1 और 4 माइनस 3 डिफरेंस क्या आ रहा है 1, दोनों साइड इक्वल डिफरेंस आ रहा है, इट मीन्स कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम मीन एंड वेरिएंस। तो ये नोट्स में लिखी हुई डायरेक्ट लाइन है, मीन और वेरिएंस जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सेम होते हैं। तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 है इफ फोर अ डेटा सेट थर्ड क्वार्टाइल एंड मीडियन इज सेम। सो थर्ड क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं Q3 से और Q2 और जो मीडियन होते हैं दैट आर सेम। सो वो बोलता है कि ये इक्वल हैं, तो बाउलेस कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा। तो बाउलेस कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला मेरे नोट्स में मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। ये फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज होना है आपका इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे स्क्यूनेस का, तो Q3 माइनस 2 Q2 प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1। तो इसको आप लिख सकते हैं Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 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 ये दो माइनस में दो हो जाएंगे, मैंने इसको खोल दिया है, एक्सपेंड कर दिया है। तो ये Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल है तो ये Q3 ये प्लस वैल्यू हो गई, ये माइनस वैल्यू हो गई, तो ये कट जाएगा और मैं इसको जगह Q2 की जगह क्या लिख सकती हूँ, माइनस Q3 प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1। ओके तो ऊपर क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास माइनस 1। ओके आगे है क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इफ टू लार्ज सैंपल्स आर ड्रॉन इनडिपेंडेंटली फ्रॉम टू पॉपुलेशंस, दो पॉपुलेशन है उससे दो बड़े सैंपल निकाले जाते हैं इनडिपेंडेंटली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टैटिस्टिक विल बी अप्रोप्राइट फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशंस। तो कौन सा इनमें से टेस्ट स्टैटिक हमें लेना करना चाहिए। तो आपको पहली बात तो लार्ज सैंपल लिखा है यहाँ पर, ओके तो ये पेयर्ड टी और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट ये तो होगा ही नहीं। तो कभी भी लार्ज सैंपल आता है तो वी ऑलवेज गो फॉर जेड टेस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 है कि इन लोकल सेलुलर फोन एरिया कंपनीज ए एंड बी अकाउंट फॉर 60% एंड 40% ऑफ द सेलुलर फोन मार्केट। ठीक है, दो कंपनी है ए और बी, तो जो उनका ए है वो 60% मार्केट को क्लेम करती है एंड बी 40% को, जिनमें से 1% ऑफ द कॉल्स मेड विद कंपनी ए एंड 2% ऑफ द सेलुलर कॉल्स विद कंपनी बी विल हैव इंटरफेरेंस। ठीक है, सो वो इतना इंटरफेरेंस होता है 1 or 2% का। इफ अ सेलुलर कॉल इज सेलेक्टेड रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैव इंटरफेरेंस इज, तो ये हो जाएगा 60% है इसका, तो 0.60 एंड क्या है इसका 1% है, तो ये हो जाएगा इंटू 0.01 प्लस ये हो जाएगा 0.40 इंटू 0.02।
ओके, दोनों का एडिशन कर लोगे तो ये रैंडमली जो भी इंटरफेरेंस होगा वो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 6, और डेसिमल कितने बार आएगा, 2 और 2 4, ठीक है, या फिर 3 बार कर लो, इसका 0 हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.006, ये हो जाएगा 2 × 8 और 3 बार 0.008, तो 0.006 एंड 0.008 को आप एडिशन कर लीजिए, 8 और 6 14 होते हैं और ये 0 डेसिमल, तो ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो 22 है, फॉर अ कम्प्लीटली रैंडमाइज डिजाइन विथ अ टोटल ऑफ के ट्रीटमेंट, लेट एक्स आई जे दिया है और एक्स जे दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है यानी कि ग्रैंड सम दिया हुआ है, और एन दिया हुआ है जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको समीशन ऑफ एन जे से लिखा है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द फॉर्मूला, तो सम एस एस टी कैलकुलेट करने के लिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो जो एस एस टी का फॉर्मूला होता है वो डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल ट्रीटमेंट माइनस द ग्रैंड सम होता है, तो यानी कि ग्रैंड सम एक्स बार आएगा समेशन में, तो यहाँ पे ये तो आएगा ही नहीं, और इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है यहाँ पर, दोनों के लिए आई और जे के लिए नहीं आएगा, इंडिविजुअल के लिए आएगा तो ये भी नहीं होगा, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, सो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ रिलेटिव स्क्यूनेस इज डिफाइंड एज, ये फॉर्मूला डायरेक्टली नोट्स में लिखा हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर, शायद हमने ये डिस्कस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था, दैट इज मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मीडियन मोड की जगह मीडियन का भी आता है, बट वहाँ पे 3 या 2 कुछ मल्टीप्लीकेशन में फैक्टर आता है। ओके, सो ऑप्शन 1 है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ये सीरीज दिया हुआ है, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस टू एन डी तक जा रहा है, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन आपको इसका निकालना है, सो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता है, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, तो पहले सबसे पहले हमें एक्स बार यानी कि मीन निकालना होगा, तो टोटल टर्म्स 2nd तक जाएगा, तो 2n+1 टोटल, क्योंकि मीन क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ए प्लस ए प्लस डी ए प्लस टू डी ये आपकी सीरीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2n+1, फिर ये a जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 n+1 तक, तो a को सेपरेट कर लिया, d प्लस 2d कहां तक जाएगा, 2nd तक, इसके बाद यहां पे d बाहर लिया तो ये सीरीज बनेगा 1 प्लस d प्लस 2n तक जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा, सीरीज बनेगी इसका क्या होता है, n × n+1/2 फार्मूला होता है, तो इसका हो जाएगा n की जगह क्या है यहाँ पर 2n, तो 2n × 2n+1/2 हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये dn × 2n+1/2n+1, तो ये हो जाएगा a प्लस डी एन एंड 2n+1 यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो मीन आ जाएगा a प्लस एन डी आ जाएगा। ओके, अभी मीन आ गया तो हमें मीन के बाद क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है, सो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का अपॉन एन, एन यहाँ पे क्या है 2n+1 है, तो कैसे करोगे आप, ए प्लस ए ए माइनस पहला सीरीज है ए माइनस ए प्लस एन डी प्लस दूसरा आपका हो जाएगा ये मोड में आएगा प्लस दूसरा हो जाएगा a प्लस डी माइनस a प्लस एन डी ये मोड में, इसी तरीके से प्लस डॉट 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 करके चलेगा आपका a प्लस 2nd माइनस a प्लस एन डी, इस तरीके से चलता जाएगा, तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया इसे कैंसिल आया हुआ तो एन डी बचा, यहाँ पे बचेगा आपका डी माइनस वन एन माइनस वन सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस डी और माइनस एन डी, डी माइनस एन डी आएगा, तो ये हो जाएगा डी बाहर लोगे तो एन माइनस वन बचेगा, तो एन माइनस वन डी, इस तरीके से 0d 2d आप सॉल्व करते जाएंगे तो ये सीरीज आएगा, जिसमें से फिर आपने यहाँ पे क्या किया है 2d कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ पर एन डी और एन डी क्या हो रहे हैं 2d हो रहे हैं, तो एडिशन हो रहे हैं, बाकी सब इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, 2nd ऐसे 2n-1d ऐसे 2n-2d होगा, तो 2d कॉमन लोगे आप तो ये हो जाएगा 1 2 3 n-1 n-2 टिल n तक जाएगा, तो आपको ये सीरीज का फिर से फॉर्मूला पता है n × n+1/2, तो ये 2 और d हो गया n × n+1/2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n × n+1d/2n+1, सो ये आपका हो जाएगा इसका सीरीज का मीन डेविएशन का आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25। सो 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन का कौन सा इनमें मेथड नहीं है? सो नॉट अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, तो इंटरव्यूज के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और इंटरव्यूज के थ्रू, क्वेश्चनरीज के थ्रू और सर्वेज के थ्रू जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो आपका होता है एग्जाम्पल प्राइमरी डेटा का। मूवी देखने से कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं होता है, तो दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। सो ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स एन ऑब्जर्वेशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ऑफ कोर्स मीडियन है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। रेंज क्या होता है? रेंज तो आपका हायर लिमिट, जो भी आपका डेटा ऑब्जर्वेशन का हाईएस्ट पॉइंट होता है माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, मोड आपको पता ही है कि मोस्ट जो जिसका जिस नंबर का डेटा का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है वो आपका मोड होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट ऑफ अ मेसोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 243। तो फोर्थ जो सेंट्रल मोमेंट होता है वो होता है म्यू 4। तो इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा, आपसे पूछा है। ओके, तो मेसोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? अ डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द एक्सेस कर्टिसिस इज 0। ये दिस इज मेंशनड इन माय नोट्स। तो एक्सेस कर्टिसिस का मैंने बताया है कि एक्सेस जो कर्टिसिस होता है, ओके, इसको आप लिखते हो इक्वल्स टू कर्टिसिस ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक है, तो ये इसका मतलब है मेसोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक्सेस कर्टिसिस 0 है, ये 0 है, यानी कि कर्टिसिस का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 0 इक्वल्स टू कर्टिसिस ऑफ एक्स इक्वल्स माइनस 3। तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 3 के। ओके, सो नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर कर्टिसिस का, जो होता है कर्टिसिस ऑफ एक्स होता है आपका फोर्थ सेंट्रल मोमेंट अपॉन वेरिएंस का स्क्वायर कह लो या फिर सिग्मा 4 कह लो। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो, सो वेरिएंस का स्क्वायर में आप स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो सिग्मा 4 हो गया यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू दी है ये हमें पता चल गई, क्योंकि ये कैसे पता चला, इस वाले रिलेशन से कि मेसोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है और ये एक्सेस कर्टिसिस इसके लिए 0 होता है तभी। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता होगा तो आप ये वैल्यू 3 नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 3 इक्वल्स टू आपको जो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट दिया है वो दिया हुआ है 243 अपॉन सिग्मा 4। तो हमें यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा 4 इक्वल्स टू 243। तो सिग्मा 4 इक्वल्स टू 243 अपॉन 3। सो सिग्मा हो जाएगा 243 अपॉन 3 का होल 1/4। सो आपको ये पता है कि यहाँ पर 3 7 21 3 8 24 तीन एकम 3, तो ये 3 का क्या होता है, 4 होता है। ओके, 3 का 4 9 is to 9 81, तो 3 का 4 1/4, सो 4 से 4 कैंसिल, सो 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो इसमें ये एक्सेस कर्टिसिस वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था, तो आप फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ द ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज इज 15, टोटल ऑब्जर्वेशन है एक सीरीज में उसमें कितने हैं, 15 ऑब्जर्वेशन है, देन द थर्ड क्वार्टाइल इज इक्वल टू, थर्ड क्वार्टाइल कौन सा होगा, कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा। सो 15 है, ऑड नंबर है। ओके, सो इसका मीडियन क्या होगा, एन प्लस 1/2 यानी 15 प्लस 1 यानी 8th जो टर्म होगी वो इसका मीडियन होगा, उसके अलावा यहाँ पे वैल्यूज होंगी। तो टोटल 15 है, तो अराउंड 8th टर्म है, तो यहाँ पे 4 4 और 4 ये 12 टर्म होती हैं। ठीक है, मीडियन है तो यहाँ पे एक टर्म होगी, तो समवेयर अराउंड आप मीडियन के बाद का यानी कि 4 टर्म और ऐड करेंगे तो वो आपका थर्ड क्वार्टाइल में होगा। ओके, सो ये हो जाएगा 8 और 4 12 यानी कि 12th जो ऑब्जर्वेशन होगा आपका वो आपका होगा थर्ड क्वार्टाइल में। ओके, तो 9th तो आने का मतलब ही नहीं बनता, 8th जस्ट अगर आपका मीडियन है तो 9th टर्म नहीं आएगी, 11th इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 4 के प्लस ही आएगा वो नंबर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सो 29 तो काफ़ी आसान सा सवाल है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही रिलेशन की मैं आपसे बात कर रही थी जिसमें हमने कैलकुलेट किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है या नहीं। तो फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी नो दैट मीन और मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाइल यूजिंग अनोवा फॉर एनी फॉर वन वे क्लासिफाइड डेटा विद 3 ग्रुप, ओके, कंसिस्टिंग ऑफ 10, 9 एंड 10 ऑब्जर्वेशंस रिस्पेक्टिवली, द रेसिडुअल स्लैश एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी।
सो जो रेसिडुअल डिग्रीज होती है, द रेसिडुअल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो रिप्रेजेंट करती हैं द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा दैट आर फ्री टू वेरी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप्स, जो फ्री होते हैं. ठीक है, सो वन वे अनोवा के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे ये डिग्री, तो इसमें टोटल जो ऑब्जर्वेशन है उसके स्टेप्स क्या होंगे कि हमें वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल सैम्पल साइज. सो टोटल सैम्पल साइज कितना होगा, 10 + 9 + 10, तो वो हो जाएगा 29. टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं इसमें, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने लिखे हैं, 3 लिखे हैं. तो रेसिडुअल डिग्री जो एरर होगा वो होगा 29 - 3, यानी कि 26. तो ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर. सो आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में अपलोड होंगे. काफ़ी लोगों की के लिए का आ रहा है कि आप जल्दी से अपलोड करिए, तो आई एम ट्राइंग टू अपलोड एज सून एज पॉसिबल. सो तब तक आप तैयारी करिए, करते रहिए. एक या दो दिन में, विद इन 2 or 3 days सारे वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे. तब तक के लिए वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.